स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस के जूनियर 30 पर। आइए हम देखते हैं द्विघात समीकरण के अगले टाइप को, जो टाइप 3 के रूप में है। ये 3 होगा अब टाइप 2 तक, इसके पिछले वीडियो में दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्या है यहाँ पर, क्या हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0 को हल करें तो एक्स का मान बताइए, यानी किसको हल करें, एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। बहुत ही छोटा सवाल है ना, ये बहुत ही कम समय में बन जाएगा आपका। क्या है तो 8 को हमको उस साइड ले जाना है, बराबर के उस साइड टपा देना है। टपाने का मतलब है सिंबल बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 लिख सकेंगे हम, क्योंकि माइनस था। बराबर के उस साइड जाने से सिंबल बदलता है, माइनस प्लस में मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, ये ध्यान रखना है आपका। रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये सब ध्यान रखने। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे, यानी ये स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पर रूट हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा। इधर स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उस साइड रूट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब 8 को हम कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, हम थोड़ा डिटेल भी कर रहे हैं, घबराना नहीं है, सीखना है। ये ऐसा 8 होता है, रूट का मतलब होता है जोड़ा में से एक बाहर करना, यानी एक्स का मान हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर डबल डबल आंसर दिया हुआ है, यहाँ मेरा आंसर आ रहा है सिंगल। अब हम क्या करें, यहाँ पर समस्या हो सकता है तो समस्या कुछ लेना देना नहीं है, बहुत ही आसान है, एक बार सुनिएगा, याद होगा। करना क्या है देख लीजिए, जब भी रूट से कोई भी अंक बाहर निकलेगा, रूट से जब भी कोई अंक, ध्यान से सुनिए, रूट से जब भी कोई अंक बाहर निकलेगा तो वो अपने साथ दोनों चीज़ लाता है, प्लस और माइनस दोनों चीज़ लाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम प्लस भी लिखेंगे और माइनस भी लिखेंगे, यानी हमारा आंसर एक्स का मान क्या होने जा रहा है, तो एक बार प्लस 2√2 और माइनस 2√2 भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ होता है। अब हम जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा रहे हैं, जैसे रूट के बाहर 9 है तो हम 3 आंसर फट से लिख देते हैं ना, लेकिन अगर ऑप्शन रहे कि ए नंबर प्लस 3, बी नंबर माइनस 3, सी नंबर प्लस माइनस 3, तो ज़्यादा बेटर ये वाला हो गया। और अगर आपको और बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा वीडियो पर, निश्चित है कि आप बहुत कुछ सीखिएगा। डी नंबर देखिए, आपको अगर ऐसा मिल जाए ऑल, ये सबसे बेटर सही हुआ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑनलाइन आंसर देंगे, ऐसा भी पूछा गया सवाल। ऐसा नहीं कि आज हम आपको ऐसे ही ज़बरदस्ती बता रहे हैं, नहीं, रेलवे में ऐसा पूछता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा, तो ऑल मारना है, प्लस वाला भी सही है, माइनस वाला भी सही है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ऑल भी हो सकता है, सब तो सही है। तो अगर ये ऑप्शन नहीं रहे तो सबसे सटीक हुआ सी नंबर। तो रूट के बाहर निकलने से आप बातों को ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ डबल डबल आंसर दिया है। कौन सा आंसर होगा, 2√2, 2√2 है, देखिए सी नंबर ऑप्शन होगा, बस आंसर हो गया। इस टाइप के सवाल को अभी और देखते हैं, घबराना नहीं है, वीडियो से हटना नहीं है। आइए हम देखते हैं अगले सवाल की ओर क्या है। 2x² - 6x और प्लस 3 = 0, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कोई भी अंक के अनुसार नहीं दिया हुआ है कि कोई नंबर है, यानी नंबर में सॉल्व नहीं करना है। कहना है कि इसका अगर हम द्विघात समीकरण तोड़ते हैं तो कोई नंबर ना आता है मेरा आंसर, कोई डिजिट के रूप में आंसर आता है, वैसा है ही नहीं, आंसर किस टाइप का है, इस टाइप का। तो हमको बनाना भी थोड़ा अलग तरीके से है, क्या अलग तरीके से, तो यहाँ मूल होंगे, मूल का बात कर रहा है, मूल मतलब विभक्तर, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इस रूप में बनाना है। तो बी स्क्वायर क्या है, बी का मान कहाँ से लाएंगे, तो ये हो गया बी, है ना। आप लिख सकते हैं a बराबर 2, b बराबर माइनस 6, c बराबर 3, ये लिख सकते हैं, तब बना सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो वहीं से उतारिएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो b कहाँ से आया, तो माइनस 6 आया, स्क्वायर हो गया, 4 आया, a का मान 2 आया, c का मान 3 आया। अब इसको लिखिए, ये 36 हो गया और इसको 4 × 8 किया 24, कितना आया, 12 आया।
12 क्या है, एक वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर खोजेंगे वास्तविक किस में है, ये तो काल्पनिक है, ये तो आंसर मेरा होगा नहीं, वास्तविक तीन मूलों में है। अगर ये प्लस में है, है ना, तो असमान है, यानी डी बराबर जीरो नहीं है, समान नहीं है, यानी असमान है। तो और क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए अब यहाँ है एगो में परिमेय संख्या, एगो में है अपरिमेय संख्या, कौन वाला संख्या मारेंगे आंसर। तो परिमेय संख्या रूट की, रूट वाले संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है, अब बिना रूट वाले संख्या को अपरिमेय। तो यही वाला आंसर होगा, क्योंकि मेरा 12 जो है रूट के अंदर नहीं है, वैसा संख्या जो रूट के अंदर नहीं रहता है, तो ये आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन समझना है, थोड़ा याद रखना है, क्या करते हैं उसको ध्यान देना है। चलिए अगले मैथ को देखते हैं। चलिए क्या है अगला मैथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो मूल समान होते हैं तो सी का मान निकालना है। इसका बोल रहा है पहले से कि मूल समान है, यानी डी बराबर जीरो है, तो D का मान हम यहाँ लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है बताइए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। पहले से ये बोल दिया है कि मूल अगर समान है तो यही चीज़ लिखेंगे, D का फॉर्मूला लिख दिए, जीरो का मान लिख दिए। अब यहाँ पर सबका मान सेट करेंगे, आप सोचिए B के जगह B लिखा हुआ है चलेगा, यही फोर लिखा हुआ है, ए सी लिखा हुआ है, अब सब सारा ए बी सी सारा वही, हमको चेंज भी नहीं करना, जो फॉर्मूला लिखे हैं वही रहेगा। अब हम उठा के इसको पूरे टर्म को ले जाएंगे, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फोर ए सी। अब हमको मान किसका निकालना है, यहाँ देख लीजिए सी का निकालना है, यहाँ पर किसका मान निकालना है, सी का। तो हम सी बराबर करना चाहेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, सी बराबर बी स्क्वायर बाय फोर ए, यही मेरा आंसर होगा। बी स्क्वायर सी का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय फोर ए, देखिए माइनस में है, यही चीज़ है लेकिन माइनस में, तो सी नंबर जो प्लस में है वही आंसर होगा, बहुत ही आसान। तो ऐसे समीकरण को देख के आपको डरना नहीं है, बहुत कोई होते हैं कि असला अंक नहीं लिखा हुआ है, कौन सा मैथ पूछ दिया, छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन जब देखिएगा ना तो सबसे आसान रहता है वो मैथ, आपके लिए सबसे आसान है। एक्स वाई जेड लिखा हुआ है उससे डरिए मत, ये अंग्रेजी नहीं है, मैथ है, मैथ मैथ जो समझ गया उसके लिए सबसे ईजी है ना, जो नहीं समझा उसके लिए हार्ड होता है, लेकिन थोड़ा सा जिसका डर है मिटाने के लिए थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। आप एकदम हल्का सा देखे और हट गए तो क्या समझ पाइएगा, थोड़ा सा समझना हो, इतिहास नहीं है कि सुने याद हो गया, वैसा नहीं है, थोड़ा सा गौर से देखिए क्या फॉर्मूला होता है उसको याद रखिए, क्या बात बोलने जा रहे हैं, बस गुना भाग करिए बढ़िया से, सब समझ में आएगा। चलिए इसके बाद वाले सवाल को देखते हैं, वो भी इसी तरह मज़, एक और उसी टाइप का मूल समान वाला हम लिए हैं। कह रहा है मूल समान हो तो पी बराबर निकालना है, क्यों पी बराबर, तो यहाँ पर आप देखिए ए का मान 2 है, बी का मान प्लस 3 है, यानी 3 केवल लिखेंगे, और सी के जगह पी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो डी समान, यानी डी बराबर क्या है, फो जीरो, तो डी का मान फॉर्मूला लिखिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, यही है, यहाँ तक सजा लिए। अब बी के जगह क्या लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले बी के जगह 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 4 के जगह तो 4 होगा ही, ए के जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और सी के जगह क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, बराबर जीरो लिखेंगे, ये ध्यान देना है। अब क्या है, ये 9 हो गया माइनस 4 दुनी 8 पी, ये क्यू नहीं है, क्यू जैसा नहीं, ये 9 है। अब आप सोचिए ई 8 पी को हम उस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा, 9 बराबर 8 पी, ऐसा हो गया। हमको P का मान निकालने बोल रहा है, P बराबर क्या हो जाएगा, तो P अगर निकालना है तो P को इस साइड रखेंगे, 8 को हटा के उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 बाई 8, यही हो गया आंसर। P का मान खोजेंगे यहाँ पर, 9 बाई 8 हो गया आंसर। इस तरह से मूल अगर समान लिखा हुआ है तो D का मान 0 लिखेंगे, यानी ऐसा ही सजाएंगे, ये वाला ध्यान रखिएगा, यही होता है मूल समान होने पर। तो ये बिल्कुल ही आसान है ना, डरना नहीं है, थोड़ा समझना है। चलिए देखते हैं एक और मैथ, आइए हम देखते हैं उसी टाइप के एक सवाल को। क्या कर रहा है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो,
और क्या कह रहा है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मूल क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो कौन सा सही है। समीकरण दिया हुआ है हमको, पूछ रहा है उसमें कौन सा सही है, ये ध्यान देना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जानेंगे कि मूल एक दूसरे की व्युत्क्रम हो, तो हम पहले लिखेंगे माना मूल बराबर मूल अल्फा, मूल माना अल्फा बराबर अल्फा, मूल पहला मूल जो है एक्स अल्फा है और दूसरा क्या है इसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया वन बाय अल्फा, ये दोनों है। तो मूल दो गो है, अल्फा माने हैं एक वन बाय एक्स माने हैं तो दूसरा वन बाय, अगर अल्फा पहला है तो दूसरा वन बाय अल्फा है, व्युत्क्रम है, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी एक द्विघात समीकरण में दो आंसर आता है, एक अगर एक्स है तो दूसरा वन बाय एक्स है, ऐसा माना गया है। और मूल को अल्फा बीटा के रूप में लिखते हैं, इसीलिए हम अल्फा बीटा मान रहे हैं, इससे घबराना नहीं है आपको। अब क्या करेंगे, तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, मूलों का गुणनफल यही होता है सी बाय ए, ये फॉर्मूला है। और योगफल क्या होता है, योगफल बराबर, इसको भी याद कीजिएगा, योगफल मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, ये दोनों बात को याद रखना है, हमको ज़रूरत है गुणनफल का, है ना, गुणनफल, मूलों का गुणनफल से ही ये मैथ आगे बढ़ेगा। इसलिए देखिए, तो मूलों का गुणनफल होता है सी बाय ए, और मूल क्या है एगो अल्फा माने हैं और दूसरा वन बाय अल्फा माने हैं, क्योंकि वो बोल रहा है व्युत्क्रम है। अब आगे बढ़ेंगे सी बाय ए, यही लिखेंगे, अल्फा अल्फा कट जाएगा यानी बचेगा वन, यानी ए बाय सी बाय ए, अब ए बराबर सी हो जाएगा, यही प्रूव्ड करना है आपको। तो ऑप्शन कौन सा है ए बराबर सी, ये कंप्लीट बन गया। तो मूलों का गुणनफल ये फॉर्मूला है, योगफल बराबर ये फॉर्मूला है, गुणनफल बराबर ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है आपको, इस तरह से बिल्कुल सही बन जाएगा। तो बहुत ही छोटा है, डरना नहीं, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एगो एक्स है तो दूसरा वन बाय एक्स है, एगो अल्फा है तो दूसरा वन बाय अल्फा है, तो गुणनफल से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ उसका मान निकालना है, प्लस वाला में नहीं बन पाएगा, इसलिए क्योंकि इसको गुणा करेंगे तब ना वन निकलेगा, कटेगा, प्लस वाला से नहीं बनेगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो आगे एक और मैथ को देखते हैं, ध्यान रखिएगा, आइए हम उसके बाद वाले सवाल को देखते हैं, जो कि क्या कह रहा है, यदि 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो, मूल अल्फा बीटा हो, तो इतना का मान निकालना है। तो इतना का मान निकालना है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है आप जानते हैं, इसको इससे करना है तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, अब इसको इससे करना है तो 2 अल्फ़ा हो गया, और इसको इससे करना है तो 2 बीटा हो गया, अब क्या करना है 2 इंटू 2 करना है तो 4 हो गया, अब इसको क्या करना है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। अब आप देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बाय ए प्लस 2, ये होता है माइनस b बाय ए और प्लस 4, ये आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, मूलों का गुणनफल बोलते हैं, बराबर होता है सी बाय ए, मूलों का गुणनफल, मूल किसको यहाँ माना जाता है अल्फ़ा और बीटा को, मूलों का गुणनफल सी बाय ए, मूलों का एडिशन क्या होता है माइनस बी बाय ए, प्लस 4, यही आया। अब सी कहाँ से लेंगे आप, यहाँ देखिए ये हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो सी यहाँ पर माइनस 3 बाय ए यानी 2 लेना है, प्लस 2 इंटू, अब माइनस बी लेना है, यहाँ पहले से माइनस है ध्यान रखिएगा, तो पहले से माइनस और माइनस लेना है तो यानी 7 बाय 2 हो जाएगा, अब प्लस 4 ये हो गया,
ये ध्यान देना है। अब क्या होगा, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3 बाय 2 प्लस 7 बाय 1 प्लस 4 बाय 1 भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ 1 नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट 11 भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, माइनस 3 बाय 2 माइनस प्लस 11। आप गौर कीजिए 3 बाय 2 होता क्या है, आप थोड़ा सा सोचिए, 3 रुपया का आधा यानी 1.5 रुपया माइनस 1.5 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा, 11 रुपया में हम 1.5 रुपया माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप ही सोचिए थोड़ा सा, 9.5 रुपया किस में आएगा, जो बड़ा वाला सिंबल है वही लगता है। ये आपका आंसर हो गया जो कि ई नंबर ऑप्शन में है। तो बनाएंगे थोड़ा टेक्निकल से बनाएंगे, टेक्निक लगा के बनाएंगे तो आपका निश्चित है कि छोटा बनेगा और आसान बनेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और दो फॉर्मूला यहाँ पर सटीक आया है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई, मूलों का एडिशन क्या होता है, बी बाई, ये दोनों आपको रट लेना है। यहाँ पर जब भी मूल की बात होती है तो हम एक्स वाई नहीं मानते हैं, अल्फा बीटा मानते हैं, ये आपको ध्यान देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के बढ़िया से बढ़िया मैथ को, जो कि आपका कमज़ोर नफ्स है उसी को दूर करेंगे, हम कमज़ोर को ही ताकतवर बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।